पवित्र संस्कार में उपस्थित हे जीवित ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, संध्या की इस बेला में हम आपके सम्मुख एकत्रित हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरा गुणगान करते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। हे प्यारे प्रभु येसु, हम अपना संपूर्ण जीवन तुझे अर्पित करते हैं, क्योंकि आपने हमें अपने प्यार से भर दिया है, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, नया जीवन प्रदान किया है। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद है जीवित प्रभु ईश्वर, क्योंकि आपने हमें आपके समक्ष बैठने के लिए सुअवसर प्रदान किया है। हे प्यारे प्रभु येसु, हम पूरे दिल की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं,
विगत दिनों में मिले सभी आशीषों, कृपाओं एवं अनगिनत वरदानों के लिए हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। हे अति प्यारे यीशु, आपके पवित्र वेदी के सम्मुख हम सभी आपके नाम पर एकत्रित हुए हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप न केवल इस परम प्रसाद में उपस्थित हैं बल्कि हम में से प्रत्येक के दिल में भी विराजमान है। हे राजाओं का राजा प्रभु यीशु, आपका प्रेम हमारे प्रति महान है। आपने हम सभी को इतना प्यार किया कि क्रूस पर अपने दोनों हाथ फैलाकर अपने प्यार को प्रकट किया है। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी जय हो प्रभु। हे प्रभु यीशु, समस्त सृष्टि एवं मानव जाति के प्रति तेरा प्रेम और दया अवर्णनीय है। हे प्रभु यीशु, हम कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपसे संयुक्त रहना चाहते हैं। हे प्रेमी यीशु, आपके नाम में शांति है, आपके नाम में जीवन है, आपके नाम में ही मुक्ति है। हे प्रभु, तेरी जय हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हे जीवन के स्रोत प्रभु, इस वक्त सारी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट से गुजर रही है। प्रभु, तू ही हमारा दाता और विधाता है। तूने संसार की सृष्टि की, तेरे ही द्वारा यह संसार संचालित होता है। इसलिए हे प्रभु, हम सारी सृष्टि के साथ मिलकर तुझ पर ही भरोसा और विश्वास करते हैं, क्योंकि तू ही एकमात्र डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है प्रभु। तू सामर्थ्यवान प्रभु है जो इस वायरस को हमारे यहाँ से दूर ले जा सकता है। नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है। हे प्रभु, तू संकट के समय हमारे संग रहने वाला प्रभु है। इस महामारी से हमें बचा, अपनी रक्षा भरे कवच से सुरक्षा प्रदान कर, जिससे कि पूरे संसार के मानव आपके महान कार्य के लिए अपनी कृतज्ञता तुझे प्रकट कर सकें। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी महिमा हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, ये पवित्र समय
प्रभु ने हम प्रत्येक को दिया है, ताकि हम उनकी प्रजा के लिए प्रार्थना करें। हम इस घड़ी प्रभु से दूर ना जाएं। हमारे हृदय में उठने वाले हर विचारों को, इच्छाओं को उनके हाथों में समर्पित करते हुए उनके साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करें। परम प्रसाद में उपस्थित उस प्रभु को हमारे दिल में बुलाएं, हमारे मन में बुलाएं, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने अपनी माता को एक उपहार के स्वरूप संपूर्ण मानव जाति को दिया है। कलिसिया की शिक्षा एवं विश्वास के अनुसार धन्य कुमारी मरियम ईश्वर की माँ, आदि पाप रहित जन्मी नारी, दया की माँ और क्रिस्त के साथ हम मनुष्यों की मुक्तिदायिनी मानी जाती है। काना के विवाह के समय माता मरियम शादी के परिवार के प्रति संवेदनशील थी, अतः उन्होंने कहा, वह तुम लोगों से जो कहे वही करना। इससे माता मरियम की सतर्कता हम लोगों की आवश्यकताओं के ख्याल स्पष्ट नजर आता है। माता मरियम की कृपा दृष्टि सभी के लिए बराबर है। जब कोई भी माता मरियम के पास आता है, वह मातृतुल्य भाव से उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। अतः हम सभी माँ मरियम की शरण में आसानी से आते हैं और उसकी शरण में शीतलता का अनुभव कर वापस लौटते हैं। इसी विश्वास के साथ आइए हम भी माँ का नाम पुकारें, जो यीशु ख्रीस्त और हमारे बीच मध्यस्थ है। आइए एक गीत के साथ माला विनती की शुरुआत करें।
प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवित और मृतकों को न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु दुराए से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थे, अब और अनंत काल तक सदा रहेंगे, आमीन। आज के दिन हम आनंद के भेदों पर मनन चिंतन करेंगे। आनंद का पहला भेद, स्वर्गदूत गैब्रियल कुमारी मरियम को संदेश देता है, ईश्वर के पुत्र को गर्भधारण करने का संदेश पाकर माता मरियम कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो।
इस संदर्भ में कुमारी मरियम की विनम्रता, उदारता, आज्ञा पालन एवं प्रसन्नचित स्वीकृति के साथ समर्पण की भावना झलकती है। आइए इस भेद में अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रभु के चरणों तले रखें। प्रभु यीशु प्रत्येक को अपने छत्र छाया में रखें, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें और उन्हें अपने प्रेम से संवारें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल पर दुबराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। आनंद का दूसरा भेद। मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है। एलिजाबेथ के गर्भधारण का खबर सुनते ही माता मरियम शीघ्रता से एलिजाबेथ से मिलने जाती है और उनकी सेवा में लग जाती है। माता मरियम की संवेदनशीलता एवं सेवा भाव सचमुच सराहनीय है। इस भेद में हम उन तमाम लोगों को याद करें जो अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताते हैं। विशेषकर हम समाज सेवियों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की कृपा दृष्टि उन सभी को भी प्राप्त हो जो कोरोना प्रकोप के इस कठिन क्षणों में अपनी जान को दांव पर लगाते हुए दूसरों की परवरिश कर रहे हैं।
सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी एवं स्वच्छता कर्मी प्रभु की आशीष पाए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। ये
पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। आनंद का तीसरा भेद। बेतलेहम के गौशाले में प्रभु यीशु का जन्म। माता मरियम दुनिया के मुक्तिदाता प्रभु यीशु को जन्म देती है और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा देती है। आइए इस भेद में हम पूरे संसार को माता मरियम के द्वारा प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें। हम विशेषकर उन लोगों के लिए विनती करें जो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। माँ मरियम उन सभी लोगों को अपनी आंचल में रखें और उनकी चंगाई हेतु अपने मुक्तिदाता पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त से विनती करें, ताकि वे अपने दुखों से निजात पा सकें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे स्पृति पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आधार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब और अनंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। आनंद का चौथा भेद।
बालक यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। माता पिता परंपरा को पूरा करते हुए बालक यीशु को मंदिर ले गए और उन्होंने अपने पुत्र प्रभु को अर्पित किया। इस भेद में हम सभी समर्पित व्यक्तियों के लिए माता मरियम के द्वारा प्रभु को चढ़ाते हैं। विशेषकर हम याद करते हुए प्रार्थना करते हैं संत पापा फ्रांसिस, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्मसंघी भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपना जीवन परहित के लिए समर्पित किया है। प्रभु यीशु अपने सातों वरदानों से भर दे ताकि वे अपनी बुलाहट के जीवन में दृढ़ बने रहते हुए सेवा कार्य में लगे रहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे स्पीति पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का अनाज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। Yeah।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। आनंद का पांचवा भेद, यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु 12 वर्ष की आयु में ही अपनी माता पिता से यरूशलेम में बिछुड़ जाते हैं और तत्पश्चात मंदिर में पाए जाते हैं। इस भेद में हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो माता पिता से दूर हुए हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बुराई के राह पर चलते हुए अपनों से अलग हुए हैं। हे माँ मरियम, आपकी मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु इन खोए हुए लोगों को बचाए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु दुराए से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर,
विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम एवा के निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुर्गुण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे अति मधुर कुंवारी मरिया, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम इसके प्रतियों योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, जिसके एकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है, हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुमारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं हम उनका अनुकरण करें और जिनके वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरी शरण में हम दौड़ाते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी जरूरतों से करते हैं उसको स्वीकार मत कर, लेकिन प्रतापी और धन्यवादी हमको सदा सब जोखिम से बचा। आमीन। Christ, हमारी विनती सुन,
परमेश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। हे प्रभु हमारी विनती पूरी कर। हे परमेश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदैव शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें, तथा प्रतापी और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुख से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। याद कर विनती। हे परम दयालु कुमारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहायता छोड़ा गया हो। हे कुमारी कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाती हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र आत्मा के नोवेना का अंतिम दिन है। आज हम लोग माता मरियम और पवित्र आत्मा के उत्कृष्ट कार्यों पर मनन चिंतन करेंगे। पवित्र आत्मा ने कुवारी मरियम को तैयार किया। हम जानते हैं कि किस प्रकार माता मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और उन्होंने प्रभु यीशु को जन्म दिया। पिता ईश्वर ने निवास स्थान ढूंढा जहां पर उनका पुत्र और उनकी पवित्र आत्मा मानव जाति के साथ रह सकें। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम पवित्र कुवारी से बोले, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। तो आइए हम उन अवसरों के लिए माफी मांगे जब हमने माता मरियम की भांति ईश्वर की इच्छा को ग्रहण नहीं किया बल्कि उसे ठुकराया है। वही पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक पर उतर आ जाएं, हमें प्रेरित करें, जिससे कि हम लोग माता मरियम के आदर्शों पर चलते हुए प्रभु येसु को हमारे दिल में निवास करने के लिए जगह दे सकें। जीवन प्रदान कर।
स्तुति ग्रंथ से ईश्वर का वचन। प्रज्ञा पुकार रही है, सद्बुद्धि आवाज दे रही है, वो मार्ग के किनारे की ऊंचाई पर चौराहे पर खड़ी है, वो नगर की फाटकों पर, वो प्रवेश द्वारों पर ऊंचे स्वर से पुकार रही है। मनुष्यों, मैं तुमको संबोधित करती हूँ, मैं समस्त मानव जाति को पुकारती हूँ। तुम जो बोले हो समझदार बनो, तुम जो मूर्ख हो बुद्धिमान बनो। सुनो, मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, मैं जो कहूंगी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा मुख सत्य बोलता है, मुझे कपटपूर्ण बातों से घृणा है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं वे सच्चे हैं, उनमें कोई छल कपट या कुटिलता नहीं, वे समझदारों के लिए तर्कसंगत है और ज्ञानियों के लिए कल्याणकारी। प्यारे भाइयों बहनों, कुछ क्षण मौन होकर अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रभु के पास लाएं और पवित्र आत्मा के विशेष वरदानों की वर्षा के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान एवं शाश्वत ईश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के वरदानों एवं फलों से हमें भर दे। हम सब सत्य जाने, प्रभु येशु के दिखाए मार्ग पर चलें और स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई करना सीखें। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जिन जिन अनुग्रहों की जरूरत है वे भी हमें कृपया प्रदान कर। जो भक्त तुझसे जिस वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं उसे वह प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु येशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता
हैं।